हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहि सलाम बयान करते हैं कि एक मर्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने असहाब के साथ तशरीफ़ फरमा थे कि इसी दौरान हबशी नस्ल के चार आदमी एक स्याह चेहरे वाले शख्स का जनाजा उठाए हुए कब्र की तरफ ले जा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, इस जनाजा को मेरे पास लाओ। जब जनाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास आया तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इसके चेहरे से कपड़ा हटाया और इमाम अली मुर्तज़ा से फरमाया, या अली, ये वही शख्स है जो आले नज्जार का ग़ुलाम था, इसका नाम रिया है। इस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा की कसम ये शख्स जब भी मुझे देखता तो इज्जत करता और शर्म महसूस करता और कहता, या अली, मैं आपके साथ मोहब्बत रखता हूँ। इसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इसे गुस्ल दिया जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने एक लिबास में इसे कफन दिया और असहाब के साथ कब्र तक तशरीफ ले गए। इस वक्त लोगों ने अजीब आवाज़ें सुनी तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्तों के 70,000 गरोह ने इसके जनाजा में शिरकत की है और हर गरोह में 70,000 फरिश्ते हैं। खुदा की कसम, इस मर्तबा पर अली की मोहब्बत और दोस्ती के अलावा नहीं पहुंचा जा सकता। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने हाथ से इसे कब्र में उतारा और थोड़ी देर बाद इससे अपना रुख मोड़ लिया और इसके ऊपर मिट्टी डाल दी। असहाब ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हमने देखा कि आपने थोड़ी देर के लिए इससे अपना रुख मोड़ लिया था, या रसूलल्लाह, इसकी क्या वजह थी? पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि खुदा का ये बंदा इस दुनिया से प्यासा गया था, इसकी जन्नती बीवियां यानी हूरें इसके लिए जन्नत से पानी लेकर आई थीं, क्योंकि ये गैरतमंद इंसान था, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए इससे अपना रुख मोड़ लिया ताकि वो पानी पी ले और इसकी इतनी बीवियों को देखने पर इसे गमजदा न करूं। अल्लाहुम्म सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। खुदाया रहमतें नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आपकी पाक आल पर। इस तरह की मजीद हकीकी और सच्ची वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल सके।